Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.4. Question number 1. अच्छा इसमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है प्रूव दैट. ठीक है, मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इनटू सिकेंट थीटा. ठीक है, अच्छा इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास हमने कुछ फॉर्मूलाज भी जो है वो पहले पढ़ रखे हैं, कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने जो है वो भी पढ़ रखी हैं. हमने उन तमाम फॉर्मूलाज को अपने माइंड में जो है वो रखना है. ठीक है, तो प्रूव करना है आपने. क्या करेंगे इसको, इसमें हम लेफ्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. ठीक है, मतलब एक साइड लेंगे दूसरी साइड प्रूव करेंगे. टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा. टेंजेंट थीटा जो है ये हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. और कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. बेटा इसको हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा और 1 ओवर कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा 1 ओवर साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा के. ठीक है, और 1 ओवर कॉस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के. ठीक है, ये आपके पास जो है राइट हैंड साइड आ गई. तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले और राइट हैंड साइड आपकी यहाँ पे प्रूव होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे अब स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, सीकेंट थीटा का इनवर्स होता है 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स कोसिकेंट थीटा का इनवर्स होता है 1 ओवर साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर 1 आ जाएगा. तो आप चेक कर ले राइट हैंड साइड आपने 1 ही लानी थी. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड आ गई. ठीक है, 1 के इक्वल आ गई. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है आगे. ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ सारी स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है. मतलब इनमें ज्यादा जो है ना वो स्टेटमेंट हमने सारे प्रूव ही करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सिकेंट थीटा. ठीक है जी, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा. कॉस थीटा टेंजेंट थीटा जो है ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है इंटू साइन थीटा. कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा. दिस इज राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा. कोसिकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, प्लस टेंजेंट थीटा जो है ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है.
और secant theta जो है वो 1 over cos theta होता है, is equal to 1 over sin theta, ठीक है, ऊपर वाले से multiply नीचे वाले से, sin into 1 sin, cos into cos, cos square theta, cos square theta into 1 cos square theta, plus sin theta into sin, sin square theta, divide by sin theta into cos square theta, ऊपर हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है, नीचे sin theta into cos square theta. अब इसको हम तोड़ लेंगे, 1 over sin theta into 1 over cos square theta, 1 over sin जो है ये cosecant theta के बराबर होता है, 1 over cos square जो है वो secant square theta के बराबर होता है, तो ये हमारी जो है ये right hand side आ गई, अब चेक कर सकते हैं, यही हमारी right side, हमने यही यहाँ पे जो है वो प्रूव कर दी थी, ठीक है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, secant square theta minus cosecant square theta is equal to tangent square theta minus cot square theta, taking left hand side which is equal to secant square theta minus cosecant square theta, ठीक है. अब हमने प्रूव करना है tangent square theta minus cot square theta, तो बेटा बताएं secant square की identity हमने पढ़ी थी 1 plus tangent square theta, cosecant square theta की identity पढ़ी थी हमने 1 plus cot square theta, बेटा brackets open करते हैं, 1 plus tangent square theta minus 1 minus cot square theta, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है cot square theta माइनस cos square theta इज इक्वल टू cot square theta इनटू cos square theta, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, जी लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पे इसकी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, cot square theta माइनस cos square theta, बेटा cot square theta को हम लिख सकते हैं cos square theta over sin square theta minus cos square theta, जी बेटा LCM लेंगे यहाँ पे cos square theta minus sin square theta multiply हो जाएगा cos square theta से divide by sin square theta, ठीक है जी बेटा, ऊपर से हम cos square theta common कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 minus sin square theta divide by sin square theta, जी बेटा cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो देखें बेटा हमने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को हम के नीचे हम sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला cos square theta इसको हम यहाँ पे अलग लिख देंगे, ठीक है ना. अब देखें, अब कुछ लोग कहते हैं जी दोनों के नीचे sin square आ रहा है तो दोनों के नीचे sin square आना चाहिए, अगर मैं नीचे भी sin square डाल देता हूँ यहाँ पे करके, ठीक है, तो अगर आप देखें ऊपर cos square चले ऊपर तो आ जाएगा लेकिन नीचे sin square sin की पावर 4 हो जाएगा, तो नीचे तो एक sin square है तो दो तो आने ही नहीं, तो इसलिए हम एक के नीचे कुछ भी नहीं लगाएंगे, यानी कि एक के नीचे कुछ नहीं, यानी कि उसकी नीचे 1 होगा, cos square theta ओवर sin square theta जो है ये हमारे पास cot square theta के बराबर होगा और into cos square theta, तो ये हमारी जो है ये right hand side है, ठीक है. तो ये था हमारा question number 6, next question number 7 की तरफ move करते हैं जी. question number 7 में आप जरा देखें, question number 7 क्या है, secant theta plus tangent theta into secant theta minus tangent theta is equal to 1, ठीक है. अच्छा, तो taking left hand side, इसमें हम left hand side का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, secant theta plus
टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए जो है वो किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आपने सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेना है वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वन आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड, जिसको हम इक्वेशन कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 अब आप देख लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हमने जो आंसर लेके आना है वो साइन की फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे यहां पे cos स्क्वायर थीटा ये जो नजर आ रहा है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 में से ये 1 निकाल दें 1 बचेगा और दरमियान में माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड, मतलब यही हमने जो यहाँ पे प्रूव करना था आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको फॉर्मूले जो है वो एक दफा जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। आप उनको अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज कर लें, नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है वो प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक है। तो मैं आपको एक दफा कंप्लीट जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ फॉर्मूले, आप जल्दी से उसको थोड़ा देख ले, ठीक है। देखें, आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ब्लैक यूज कर लेता हूँ। देखिए इधर से आपने क्या करना है जी, साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी मदद, इस फॉर्मूले की मदद से हम दो चीजें बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था इस तरह से सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब देखें यहां से भी दो फॉर्मूले जनरेट किए जा सकते हैं, कैसे, अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूं तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर को ना लेके आऊं, मैं 1 को उधर ले जाऊं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो इज इक्वल हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन सकते हैं। इसी तरह आपने तीसरा पढ़ा था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इज इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अगर मैं 1 को उस तरफ लेके जाऊं तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैं कोट स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर से भी यानी कि ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली ये वाली और ये वाली और ये वाली, इनमें से आपने ये वाले दो फॉर्मूले जो है वो बनाए हैं। इसी तरह से टेंजेंट थीटा अगर हम देखते हैं तो ये बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और अगर मैं कोट थीटा को देखूं तो कोट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। अगर साइन का उलट देखूं, इनवर्स देखूं, तो साइन का इनवर्स जो है वो 1 ओवर कोसेकेंट होता है, और अगर मैं कोसेकेंट थीटा का इनवर्स देखता हूं तो ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। अगर मैं कॉस थीटा का इनवर्स देखता हूं, कॉस थीटा होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा का अगर मैं इनवर्स देखता हूं तो वो 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। और अगर मैं टेंजेंट थीटा का इनवर्स देखता हूं, देखिए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, लेकिन टेंजेंट थीटा का जो इनवर्स है वो 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे फॉर्मूला जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन फॉर्मूलों की मदद से आप एक्सरसाइज मैनेजमेंट फॉर सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपने पहले देख लिए हैं, लेकिन मैंने एक दफा इनको रिवाइज इसलिए करवा दिया, इसको आपने नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि हमारी एक्सरसाइज मैनेजमेंट फॉर अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। तो खैर, एक्सरसाइज मैनेजमेंट फॉर के अभी तक मैंने फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।